अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। पताया में हमारा ये पहला दिन है और जैसा कि बैंकॉक में हमने आपको दिखाया था कि वहाँ होटल का ब्रेकफास्ट कैसा था, यहाँ भी दिखाते हैं इस ब्राइटन होटल के अंदर ब्रेकफास्ट कैसा सर्व करते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे एक आइलैंड पे और पूरे दिन की भरपूर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये ब्रेकफास्ट ले आ गए हैं और यहाँ पर इटालियन समर बल्सामिक ड्रेसिंग फ्राइंग 1000 island, ये डिफरेंट किस्म की सॉसेस पड़ी हुई हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा आ गया है तो ये सैलड्स हैं, बीन्स हैं, कैरेट्स, कैप्सिकम, ये फ्रूट सेक्शन है। यहाँ पर आपको पाइनएप्पल मिल जाएगा, वाटरमेलन मिल जाएगा और ये गुआवा है जिसे हम गुआवा नहीं है, ये पपीता है। दिस वन और ये डिफरेंट ड्राइड आइटम्स हैं जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं किशमिश अपने खाने में ऐड करने के लिए। ये जूस सेक्शन है, दिस इज जैम्स सेक्शन, बटर भी है यहाँ पर, ये चिकन ग्रेवी है यहाँ पर, ये लोबिया जो पाकिस्तान में मिलता है, बेक्ड बीन्स और ये पॉर्क, ये हम नहीं खा सकते, ये हराम है। और ये है लाइव एग स्टेशन। तो फैसला ये हुआ है कि हम कोहलार आइलैंड जाएंगे, वो एक फेरी यहाँ से चलती है, उसके ज़रिए जाते हैं। अगरचे 9, 10, 11, 12 ये तमाम टाइमों पे यहाँ से फेरी जाती है, लेकिन हमने सुना था कि 11 बजे जो फेरी जाती है वो उसका ज़रा नाम है अच्छी है। हम 11 बजे वाली फेरी पकड़ने वाले हैं और आपको जाके बताते हैं कि ये किस पोर्ट से, किस जगह से हमको मिली है। और हम हैं इस वक्त पताया में, इसको पताया भी बोलते हैं, पटाया भी बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में। तो चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये पोर्ट या शिप की जो पॉइंट है वो कौन सा है, ताकि अगर आप कभी आएँ आप यहाँ से इसको बुक कर सकें। आइलैंड पर जाने से पहले एक शॉर्ट खरीदनी, क्योंकि वहाँ पर स्विमिंग का भी सीन होगा, इसलिए ये कल हमने देखा था यहाँ पे, तो अभी इसको बाय करेंगे। ये इससे पीछे वाला, आई थिंक ये वाला ठीक है, क्योंकि ये अंदर से मैंने देखा था डबल भी है, तो ये ले रहा हूँ। ये 150 baht का है, कल मैंने बार्गेन की थी लेकिन वो मानी नहीं, 150 baht का ही फाइनल है, तो मैं ये परचेज करता हूँ। इसको मैं रख लेता हूँ अपने बैग के अंदर। गिव मी प्लीज, थैंक यू। सो ये 150 baht का है, 50 देंगे मुझे वापस, तो थैंक यू। ये पैसे भी इसी के अंदर ही डाल देता हूँ। ये हो गया बैग तैयार, चलो भाई। गाड़ी बुक की और पास से मिल गई, लेट्स सी, बैठ के चलते हैं वहाँ पे। ओके, या प्लीज, हेलो, ओके, ओ वाओ, फास्ट, ओके, कह रहे नहीं फास्ट करें, ओके, ये फास्ट किया तो बंद होगी। 10:21 हैं, हमें आसानी के साथ, बड़ी अच्छी सीट्स हैं यार इसकी, खुली भी है, पीछे भी तीन है। बुक करा देना, अरे वाह शरीफ भाई की, ये मैंने कहा जी पैसे खर्च करते हैं, खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो ये जो है ना देखें आप, पूरी बड़ी गाड़ी उन्होंने बुक करवा ली, 3 बंदे हैं सारे,
तो वो लेमोजीन टाइप वाली फील हो रही है ना माजिद भाई? बिल्कुल भाई, ऐसे ही फील आ रही है। और वैसे भी शहरी भाई, इनके साथ हम एक दो टूर पहले भी कर चुके हैं, छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। और लेमोजीन लग नहीं रही, अगर मलेशिया जाएंगे तो वहाँ पे मुझे उम्मीद है शहरी भाई जिस तरह सरप्राइज देते रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे आगे लेमोजीन। कल फॉर्चुनर हम कह रहे थे कि ये गाड़ी हो ना वहाँ जाने के लिए, पटाया, लेकिन शहरी भाई ने बताया नहीं है। शहरी भाई से पूछते रहे तो बाहर निकले हैं तो फॉर्चुनर खड़ी थी। अरे अरे, तो वैसे ही एक बात की शहरी भाई अगर ये गाड़ी हो ना तो मजा आ जाए। शहरी भाई कहते हैं यार ये भी आ जाएगी, तैयार होने लगे हैं तो शहरी भाई कहते हैं जी बैठो। अरे वाह, ये इस किस्म के सरप्राइज देते रहते हैं। सरप्राइज अखीर है जी, अल्लाह करे खैर दे सरप्राइज ही दें शरीफ भाई। मैं कहता हूँ हमारे भाई अगर थाईलैंड आए हैं फर्स्ट टाइम तो फुली एंजॉय करें यहाँ पे आकर। जी जी, ऐसा ना हो किसी चीज़ की कमी महसूस हो। जी, तो लान टिकटिंग ऑफिस यहाँ पे बताया कि जुनूब में है जो हॉलीडे इन होटल है उसी रोड पे आप आए तो ये टिकटिंग ऑफिस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ आके आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, आपको एजेंट्स भी मिल जाते हैं और बड़ी फेरी के लिए जाना है तो उसकी टिकट भी लेके जा सकते हैं। एजेंट सारा पैकेज दे देते हैं, 1000 बात के वजह आपको जो है पैरा सेलिंग भी दे देते हैं, स्पीड बोट भी देते हैं और भी कुछ। हमारी ख्वाहिश है कि हम जो है वो बड़ी शिप करें तो फेरी में जाना चाहते हैं। लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे स्कैन करेंगे अपना टेम्परेचर और उसके बाद आगे जाके देखते हैं कि 11 बजे वाली फेरी का टिकट अभी मिल रहा है या नहीं। और अगर वो ना मिला तो फिर हम ये एजेंट साहिबा हैं तो इनसे रابطہ करके स्पीड बोट से जाएंगे। तो अभी ये पहुँचे हैं यहाँ पे, ये सारी फेरीज लगी हुई हैं, मैं आपको दिखा सकूँ अगर, ये देखिए ये सारी फेरीज लगी हुई हैं इधर, स्पीड बोट्स भी हैं वो, जैसा कि ये जा रही है ना अभी ये स्पीड बोट है तो इस पर भी पैकेज मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा यार बड़ी फेरी पे चलते हैं। तो अभी शहरी गया है पता करने, अगर इसको टिकट मिल जाती है तो फिर हम इसी पे जाते हैं 11 बजे वाली पे, पटाया सिटी। हम यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से थोड़ी ताखीर से पहुँचे हैं और जिस फेरी में हमने जाना था उसका टाइम कंप्लीट हो गया, टिकट नहीं मिली। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो वेंडर यहाँ पे मौजूद हैं टूर पैकेज दे रहे हैं तो इनसे हमने एक टूर लिया है जिसमें पैरासेलिंग है और स्पीड बोट से कोलान आइलैंड पे हमें लेके जाएंगे, तो इसका हमें 700 भात देना पड़ेगा। वैसे अगर आप फेरी से जाते हैं कोलान आइलैंड तो उसका 30 भात फीस होती है। तो ये स्पीड बोट है और ये पूरे आइलैंड का चक्कर भी लगवाएंगे और फिर पैरासेलिंग भी है, तो ये 700 भात में पड़ा। 700 भात मींस कोई $21 के करीब ये अमाउंट बनती है। इसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, स्पीड बोट में जाएंगे, वैसे मेरा दिल था फेरी में ज़्यादा लोगों के साथ आराम आराम से जाना, लेकिन वहाँ चल के दिखाते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ पैरासेलिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, तो चल के देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। शहरी भाई अब पेमेंट कर रहे हैं, ये खातून कोई हमने बुक किसी और के साथ किया था तो पैसे लेने कोई और आ गई हैं, हैं तो उन्हीं की, लेकिन फिर भी हम एहतियातन वीडियो बना रहे हैं ताकि इन केस अगर कोई फ्रॉड होता है तो ये वीडियो किसी को दिखा सकें। ले जी ये पैसे दे रहे हैं और अब इसको भी देख रहे हैं किधर जा रही है ताकि कोई फ्रॉड ही ना हो जाए हमारे साथ। कोई आधा घंटा इंतज़ार के बाद अब हमें ये लेके जा रही है, हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये भी कोशिश करते हैं कुछ ज़्यादा बंदे जमा हो जाए फिर एक ही दफ़ा सारा टूर ले जाएं। तो अभी हम तकरीबन 11:30 बजे यहाँ से निकले हैं और हम 5 बजे वापस आएंगे। बहुत से लोग वापस आ रहे हैं, ये अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और इस वक्त ये वापस आ जाते हैं, कुछ लोग इस वक्त जाते हैं और शाम के वक्त वापस आना पसंद करते हैं। और समुंदर का पानी यहाँ पे इतना साफ नहीं नज़र आ रहा, आइलैंड पे जाके देखते हैं वहाँ कैसा पानी है और क्या सीन है। ये आ गए हम अपने स्टेशन पे और इसमें काफ़ी लोग अभी मौजूद हैं, हम भी नीचे जाएंगे बिल्कुल बगैर किसी इंतज़ार के। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वाओ ये देखिए ये प्लास्टिक। ओके ओके, ये मोहतरमा चीखी जा रही हैं क्योंकि हम वीडियो बनाने के चक्कर में आगे चले जाते हैं, पीछे से आवाज़ें देती है कि रुक जाओ रुक जाओ। तो ये स्टार्ट है यहाँ से इस तरफ होते हुए। ओके आई विल गो इनसाइड। ओके ये गया और ये गया, चलो इसमें आ गए। अब ये जैसे सेफ्टी जैकेट पहन रहे हैं तो मैं भी सेफ्टी जैकेट पहन लूँगा। सफ़र शुरू है और मुझे नहीं लगता कि अब आवाज़ रिकॉर्ड हो पाएगी।
ये मनाजिर बस आपको दिखाते हैं। जहाँ पे हमारी वाटर एक्टिविटीज़ होंगी और कुछ देर यहाँ पे स्विमिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ इधर हैं और कुछ दूसरी जाने बोट हमें वो वाली उतार के यहाँ पे जा चुकी है। यार पानी इधर भी आ रहा है ज़बरदस्त, तो बहुत ही क्लीन बीच है यार, बहुत क्लीन, और वाटर तो आपने देखा ही है पहले भी आए, तो मतलब एक्साइटमेंट है। अगरचे थोड़ी सी धूप है इधर, लेकिन हवा इतनी चल रही है कि अब धूप का एहसास बाकी नहीं। तो अभी यहाँ पे लॉकर के अंदर अपने बैग वगैरह और जो कीमती चीज़ें हैं वो रखते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे आगे और देखेंगे यहाँ पे करने को क्या कुछ है। तो तकरीबन 5 बजे हम यहाँ से वापस जाएंगे।